तो नाज़रीन हम वापस आ गए हैं, तो फिर जहाँ से हमारा सिलसिला टूटा था वहीं से जोड़ने की कोशिश करते हैं। आप स्टूडेंट्स की बात कर रहे थे। जी जी, तो बेसिकली मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट को ये चाहिए कि वो सीखने के अमल को वो जारी रखें, कभी भी उन उस अमल को छोड़े नहीं। सही। तो एक सबसे बड़ी जो बात है कि अपने जॉब से ध्यानदारी करें। सही। और उसके साथ मोहब्बत करें। बिल्कुल। और फिर जब वो आपके साथ ध्यानदारी करेगा और मोहब्बत करेगा तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बिल्कुल। लोग उसी तरह से महसूस करेंगे जैसे बड़े बड़े उस्ताद गुजरे। वाह। आपने अगर कोई उस्ताद ही बनना है, बड़ा बनना है, तो इसके लिए मेहनत तो आपको बहुत करनी पड़ेगी और मेहनत के साथ दयानतदारी बरतनी पड़ेगी। बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो फिर आप बड़े हो जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकेगा। सही। बिल्कुल सही। तो मैंने अपने जितने भी काम, कोई तकरीबन मैंने कोई 15-20 हज़ार लैंडस्केप बनाए हैं माशाल्लाह, और अभी भी बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा। और अभी तो कुछ ज़्यादा ही। जी जी। क्योंकि एक्सपीरियंस जी ज़ाहिर है के साथ ज़्यादा ज़्यादा होता चला जाता है। आप अमेरिका में भी रहे और पाकिस्तान में, यहाँ से यहीं से गए थे आप अमेरिका में। अमेरिका के लैंडस्केप में और पाकिस्तान के लैंडस्केप में क्या डिफरेंस है? बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। दरख्त वहाँ के जो हैं उन्हें आप दरख्त तो कहेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही। तो यहाँ के दरख्त को भी दरख्त ही कहेंगे। सही। तो इसी तरह पत्तों को पत्ता ही कहेंगे। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा, अब रही बात ये कि वहाँ की ज़मीन और यहाँ की ज़मीन में एक फ़र्क ज़रूर है। वहाँ के ग्रीन का तो हमारे ग्रीन का फ़र्क है। जी सही। क्योंकि हमारी ज़मीन जो है ना, वो सदियों से उसको खाया जा रहा है। सही। बिल्कुल सही। और वहाँ पर 500 साल 600 साल 400 साल से जी, तो उसमें जो कलर जो उसके आते हैं ना, तो वो ग्रीन जो है ना बहुत ही रिच ग्रीन होता है। यहाँ का थोड़ा सा कलरों में थोड़ा सा फ़र्क है मौसमों के अतबार से। जी सर। तो बाकी लोगों की कंपोजिशनें जो हैं वो मुख्तलफ हो सकती हैं। सही। लेकिन देखने में सूरज चांद सितारे जी सही वही सब कुछ दिखाते हैं। जी सही। तो इस लिहाज से लैंडस्केप में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन रंगों का और दरख्तों की साख्त जो है उसका थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क है। क्योंकि हमारी जो जो दरख्त की टानियाँ वो नीचे के ऐसे आती हैं। जी जी। और उनकी टानियाँ जो है ना वो इस तरह से ऊपर को जाती हैं। जी सही। ये कुछ चीज़ें ये जी फ़र्क है। और दूर से गौर से देखने वाले जो कि भाई जानकारी वाले लोग हैं उनको समझ में आती है कि ये दरख्त जो है ये हमारा देश का नहीं है। जी सही। ये यूरोपियन है। जी सही। तो अदरवाइज एक इम्प्रेशन जो है वो तो ठीक है जी, लैंडस्केप तो लैंडस्केप ही है ना। बड़ी बड़ी जगहों पर मिलिट्री एकेडमी में भी और पीएम हाउस में भी और भी बड़े बड़े जितने भी पाकिस्तान के गवर्नमेंट के जो इदारे हैं वहाँ पर आपकी जो तारीखी पेंटिंग्स हैं वो लगी हुई। हाँ, वो बहुत पुरानी बात है। वो तकरीबन मैं उस वक्त कोई उम्र के अतबार में वो 25-26 साल का था। उस ज़माने में मैं हिस्टोरिकल पेंटिंग जो ना करता था और उसमें मुकम्मल तौर पर उस ज़माने में भी खूब काम किया है, लोगों ने सराहा भी है। और वो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी के किसी मैस में, उधर ऑफिसर मैस में टीपू सुल्तान की पेंटिंग लगी हुई हैं। जी जी। वो बड़ी साइज में, मतलब 12 फुट और 8 फुट इतनी बड़ी। जी। महमूद गजनवी के ऊपर, बहादुर शाह जफर के ऊपर। जी जी। बख्त खान के ऊपर। जी जी। तो वो काफ़ी, उसको फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता
लैंडस्केप की तरफ आया, ये मुझे पता ही नहीं। अच्छा। मुझे नहीं पता जी सही वो कैसे में आया। तो फिर बीच में एक दौर ऐसा भी आया को 10 साल का जिसमें सिर्फ रॉक पेंट करता रहा। अच्छा। मैं बनाने की कोशिश बड़ी करता था, कभी कोई ट्री बने या कुछ और इस तरह की फिगर्स कोई पेंटिंग, तो वो पता नहीं क्या बात थी कि वो रॉक की तरफ चला जाता था उसका इम्प्रेशन जी सही। तो हो सकता है ऐसे भी हो, कभी मैं मेरी उम्र थी कोई 15-16 साल की, उस ज़माने में एक शख्स था तो उसने कुछ बात की थी इस अंदाज से, तो वो मेरे जहन में भी बैठी हुई थी, कुछ हो सकता उसका भी असर हो गया हो। वो कहता था कि भाई आँख देखे तो कहाँ तलक देखे, जहाँ रखा है पत्थर ही रखा है। वाह। तो अभी मेरी आपने जो रॉक की पत्थरों की पेंटिंग जो है वो बेशुमार मैंने बनाई है, वो देख के भी पता लगता है कि हाँ जहाँ भी है वो पत्थर ही है। लेकिन उसके बाद फिर मैं निकल उस पत्थरों के माने से निकल। वो किसी ने कहा था या खुद ब खुद आप खुद ब खुद डाइवर्ट हुए थे? खुद ही समझ नहीं आई। इसी तरह बहुत सारे यूरोपियन पेंटर भी अपने मुख्तलिफ टाइम में मुख्तलिफ उन्होंने काम किया है, उनके ऊपर असर बेसिकली कोई असर ऐसा होता है तो वो तब्दील हो जाता है। सही सही। तो सही। बहुत सारे शायर जो हैं पहले वो आशकिया शेर कहते हैं, इनकलाबी हो गए, इनकलाबी हो जाते हैं, इस तरह का कोई मसला था। सही। बहरहाल तो इसमें ये है कि मसवरी की जितना लुत्फ हो सकता है ना वो मैंने लिया है। वाह वाह। फन मसवरी का जितना लुत्फ है ना वो लिया है, क्योंकि अब पोजीशन ये है कि जो मेरे मन से निकलता वो मैं बना लेता हूँ। वाह वाह वाह। बड़ी बात है। मुझे कुछ ही रेफरेंस की जरूरत नहीं। अच्छा। वाह वाह। और हज़ारों के मजमे में भी बनाता हूँ। वाह। और अकेले में तो बनाता ही रहता हूँ। ज़हरा ज़हरा। ये लोगों के सामने काम करने का भी एक डिफरेंट स्टेमिना है, बड़ा मुश्किल है। पब्लिकली आप कोई चीज़ क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, मुश्किल है वो। इसलिए मुश्किल नहीं लगता, जो जान चुके होते हैं ना, जो कर गुजरे होते हैं उनकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी होती है, उसका इल्म जो है वो अरूज पे चला जाता है। सही। तो फिर वो जाकर वो लोगों के सामने आ जाते हैं जी, तो फिर उनके हज़ारों के सामने मजमे के सामने कोई उनको परेशानी की कोई ऐसी बात नहीं रहती, नहीं आती। अमेरिका में कितनी देर रहे आप उधर? आवा तो काफ़ी अरसा रहा हूँ, कोई तकरीबन 30 बरस रहा हूँ। तो मैंने वहाँ बड़े लैंडस्केप किए हैं, बड़े बनाए वहाँ पर, और भी काम क्या किये? क्या कदरों में क्या फ़र्क है पाकिस्तान में और अमेरिका में? कदरें जो है ना वो हमारी कदरें तो ज़ाहिर है कि हम पैदा यहाँ पर हुए हैं, हमारे माँ बाप हमारे अबाओ जदाद यहाँ से हैं, मट्टी जिस मट्टी के बने हुए हैं, तो हमें तो बहुत ज़्यादा ताल्लुक जो बनता है वो तो यही है, क्योंकि पैदा होना और फिर वही मर जाना, ये दो हकीकतें जितनी हैं। तो उसके साथ अगर आप कंपेयर करेंगे तो फिर आपको कदर का पता चलेगा। अदरवाइज मैंने जो देखा है वो ये कि वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और लोग जो हैं वो सच्ची बात को पसंद करते हैं। क्या बात है। और सच्ची बात को मानना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, और तकरीबन एक अरसा मैंने गुजारा उसमें,
30 बरस में मेरे मुझसे किसी ने झूठ नहीं बोला। वाह वाह वाह। तो वाह वो इस लिहाज से वो भी ठीक हैं, यहाँ भी लोग अच्छे हैं, ये नहीं है कभी हम बहुत है, हमारे टैलेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट है। मैंने यहाँ पर मुख्तलफ जगह पे नेशनल कॉलेज में, पंजाब यूनिवर्सिटी में बहुत जो अदारे हैं आर्ट के, वहाँ जाकर मैंने विज़िट किया है, देखा है पाकिस्तान कम नहीं है। बिल्कुल सही, वो सही, वहाँ यहाँ का टैलेंट जो है लोग बच्चों में काफ़ी अवेयरनेस है। आपके बच्चों में कुछ? हाँ, मेरे बेटा जो है वो फैसलाबाद यूनिवर्सिटी का हेड ऑफ डिपार्टमेंट है फाइन आर्ट का। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो अच्छा पेंट भी करता है। वाह वाह। तो इसी तरह अभी मेरा पोता जो है वो अभी आपने देखा है पेंटिंग करते, उसने कमाल से अभी उसकी उम्र 10-11 बरस की है। वाह वाह। तो वो भी मुझे अंदाज़ा है कि वो भी कुछ ना कुछ इंशाल्लाह जी नज़र आता है कि पंजाबी दी मिसाल है ना कि जमदियाँ सूलां दे मुँह तिखे। बस ये बात सही है। तो वो माशाल्लाह उसने आपकी तरह बैठ के उसने भी इतनी स्पीड के साथ ही बना दिया वो। हाँ, अल्लाह पाक उसको कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए, सेहत और सलामती अता फरमाए।